हेलो दोस्तों, ट्रिटिफिट देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ आसान सी योग क्रियाएं जो ब्रेस्ट को शेप में रखने में आपकी मदद करेंगी। स्कंद चक्र गति, इसे करने के लिए अपने हाथों को कंधों पर रखकर कोहनियों से मोड़ें। अब अंदर से बाहर की ओर सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल घुमाएं। इसके बाद बाहर से अंदर की ओर घुमाएं। इसे दोनों ओर से 10-10 बार रिपीट करें। हस्त चक्र गति, इसे करने के लिए बाहों को आगे की तरफ सीधा रखें। अब कंधों से मूवमेंट करते हुए सर्कुलर मोशन में घुमाएं, अंदर से बाहर की ओर, इसके बाद बाहर से अंदर की ओर। इसे भी दोनों ओर से 10-10 बार रिपीट कर सकते हैं। स्कंद कोण गति, इसे करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाएं। लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से राइट हैंड यानी दाएं हाथ की कलाई को पकड़कर स्ट्रेच करें। अब इसे दूसरे हाथ से दोहराएंगे। हाथों को स्ट्रेच करते हुए 1 से 5 तक काउंट करें। और फिर रिलैक्स करें। अगर आप कलाई नहीं पकड़ पा रहे तो अपना हाथ पकड़ें। ध्यान रखें कि हाथ को बहुत तेजी से ना खींचें। हल्के हाथ से स्ट्रेच करें। आप ऐसा 4 से 5 बार हर हाथ से रिपीट कर सकते हैं। स्कंद नमन गति, इसे करने के लिए हाथों को सिर के पीछे ले जाकर लॉक कर लें। अब कोहनियों को आगे ले जाकर मिलाएं और फिर रिलैक्स करें। फिर आगे मिलाएं और रिलैक्स करें। अगर आप दोनों कोहनियों को नहीं मिला पा रहे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पास ले जाने की कोशिश करें। इसे आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। योग मुद्रा, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन में बैठे। अब हाथों को पीछे ले जाकर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कोहनी और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कोहनी पकड़ लें। अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए राइट यानी दाईं ओर घूमकर सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें। यहाँ कुछ देर रुकें और फिर रिलैक्स करें। अब ऐसा ही लेफ्ट साइड भी करेंगे। इसके बाद सेंटर में आकर सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि बॉडी को ज्यादा फोर्स ना करें, जितना हो सके उतना ही झुकें। अगर आप अपनी कोहनियां नहीं पकड़ पा रहे तो हाथों को पीछे ले जाकर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को होल्ड करें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें।